जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति चौरसिया, योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अनदर चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कोल, कॉपर एक्सेट्रा। ऑल दिस मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि सारे मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। जनरली द मटेरियल्स विच अपीयर टू बी हार्ड एंड शाइनी आर क्लासीफाइड इन टू मेटल्स, यानी कि जो मटेरियल्स हार्ड और शाइनी होते हैं दिखने में उसे हम मेटल्स कहते हैं, और जो मटेरियल्स दिखने में डल होते हैं और हार्ड नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट टॉपिक इज़ द फिजिकल स्टेट। एक्सेप्ट मर्करी ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी सिर्फ मर्करी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होते। इनको लिक्विड होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, नॉर्मली सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द हार्डनेस। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम ऑल मेटल्स हैव डेंसिटी हार्डर देन वाटर। ऑल अदर मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो होती है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी भी जो होती है वो वाटर से कम होती है। बाकी सारे मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, यानी कि अगर हम किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को या कॉपर के ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं उसको, तो वो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा, यानी डूब जाएगा, अंदर चला जाएगा। बट सोडियम और पोटेशियम है तो वो क्या होगा, वाटर पर फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मैलेबिलिटी। मेटल को हम क्या कर सकते हैं, हैमर से पीट पीट कर उसको हम पतली शीट में या फॉयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिना ब्रेक हुए वो क्या हो सकता है कि बहुत पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है। उसके मेटल्स के अंदर जो होती है मैलेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डक्टिलिटी। मेटल्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम ड्रॉन यानी खींच कर उन्हें हम पतले पतले वायर्स में भी फॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। ड्यू टू बीइंग डक्टाइल इन नेचर मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम के डक्टाइल नेचर की वजह से ही उससे वायर बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द हीट कंडक्टिविटी। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू विच दे आर यूज टू मेक अटेंसिल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन आयरन, ये सारे जो मेटल्स होते हैं इनसे हम अटेंसिल यानी बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो होती है हीट कंडक्टिविटी होती है, ये दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कॉपर आर द एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कॉपर इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी कि कॉपर के अंदर बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से कॉपर वायर्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। और बिसाइड ऑल द मेटल्स, लेड इज़ द ओनली मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी लेड ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लस्टरस। मोस्ट मेटल्स आर लस्टर, दैट इज़ दे गिव शाइन आफ्टर पॉलिशिंग देयर सरफेस, यानी कि हम बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं अगर उनको पॉलिश कर दिया जाए तो वो बहुत शाइन करते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से लाइक एल्यूमिनियम उसको ऑटोमोबाइल्स, हेडलाइट्स और बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। मेटल्स हैव द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सर्फेस एंड कैन बी पॉलिश्ड, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट इज़ द सॉल्युबिलिटी। मेटल्स इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर कोई मेटल प्योर फॉर्म में हो तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है या फिर किसी अदर सॉल्वेंट में। बट दे हावर कैन बी डिजॉल्व इन एसिड, यानी कि ये एसिड में डिजॉल्व हो जाते हैं, बाकी अदर वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स।
मरकरी को छोड़कर बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है बहुत हाई होती है। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब में के फिलामेंट में यूज़ किया जाता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बहुत हाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ द सोनोरिटी। सोनोरिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जब हम किसी मेटल्स को किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। सो मेटल्स आर सोनोरस। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। सम मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। दीज मेटल्स आर अट्रैक्टेड बाई द मेटल्स वेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और मैग्नेट से वो क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट इज़ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एंड लाइक जब भी कभी आयरन के ऑब्जेक्ट्स को हम खुले एयर में यानी कि हवा में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है एंड दे फॉर्म रस्ट, यानी कि उस आयरन पे क्या हो जाती है रस्टिंग हो जाती है यानी जंग लग जाते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स, यानी कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, लाइक व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज़ द मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वाटर से रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एल्किलीज। वॉट इज़ द एल्किलीज? एल्किलीज आर द बेसिस, यानी एसिड और बेस होता है, यू नो अबाउट एसिड एंड बेस। तो एल्किलीज ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं एल्किलीज में डिजॉल्व नहीं होते हैं, एल्किली के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। फॉर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज ऑल मेटल इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि उनकी जो मतलब उनको डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है। एज वी गो डाउन, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो केमिकल एक्टिविटी होती है उनकी कम होती जाती है। लाइक द मोस्ट एक्टिव मेटल पोटेशियम इज़ एट टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव मेटल होता है पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो सबसे ऊपर है लिस्ट में। और सबसे कम जो रिएक्टिव होता है वो गोल्ड क्या है वो बॉटम में है। ऑल्दो हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, इट इज़ इंक्लूडेड इन एक्टिविटी सीरीज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट बिहेव लाइक अ मेटल इन मोस्ट केमिकल रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन तो है नॉन मेटल बट ये कभी कभी मेटल्स में मेटल के साथ मिलकर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में मेटल के जैसा बिहेव करता है। सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट इन एयर एंड विच कैचेज फायर ईजली, यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत रिएक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसी वजह से इनको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द हाउ मेटल्स आर फाउंड। मेटल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर प्लैनेट एंड आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स एंड सॉइल्स, यानी कि हर एक चट्टान और मिट्टी में मतलब मेटल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, विच आर नेचुरली अकरिंग इन इनऑर्गेनिक सॉलिड विथ रेगुलर केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सारे मेटल्स जो होते हैं वो मिक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, बट कुछ ऐसे मिनरल्स मेटल्स होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। इन आवर सेकेंड पार्ट्स वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू।